नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज दिल्ली एनसीआर। खबर दिल्ली के यमुना पार इलाके के गांधीनगर की है, जहां अचानक एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, आग की लिपटे उठने लगी, जिसके बाद मौके से 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। यमुना पार के गांधीनगर इलाके में देर रात कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। फायर कंट्रोल रूम को इस घटना के बारे में जानकारी मिली। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर अलग अलग हादसों से आग बुझाने वाली 9 गाड़ियां भेजी गई, फिर आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वह उसके बेसमेंट में आग लगी थी, जो बढ़कर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई थी। फायर कंट्रोल रूम के अनुसार आग लगने की सूचना देर रात लगभग 2:30 बजे मिली थी। सुबह 5 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया।